इसीलिए तुमको कैसा टक्कर देना है हम बराबर देते, तुम डरे तो डर के घर में बैठने वाले कांग्रेस नहीं है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत गलत काम कर रहे हैं। 2011 में हमारे नंबर 3 पे था हमारा इकोनॉमिक, ये अब का 164 पे पहुंच गया मोदी आने के बाद। ये क्या है इसमें चुपचाप अननेसरी, क्यों बोले तो अपोजिशन पार्टियों को डराने का काम कर रहे हैं। ये ईडी सीबीआई और आईटी ये बीजेपी सरकार मिसयूज कर ले रहे हैं। पहला क्यों नहीं है क्या भी नहीं है बोल के क्लोज करे, फिर कहीं को ओपन करे, क्या एफर है बोला नहीं उनको, क्या भी नहीं एफर है, क्या चार्जशीट है, क्या भी नहीं है ना। गवर्नमेंट मिसयूज कर रहे हैं, उनके पावर मिसयूज कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट ये बीजेपी ये देश में आए जब से, जो गरीब लोगों को और लेबर क्लास लोगों को और यूथ्स को और महिलाओं को बड़े, ये क्यों बोले ये पुअर्स लोगों का सरकार नहीं है, गरीब लोगों का ये सरकार नहीं है, ये क्यों बोले तो पूंजीपतियों का सरकार है, पूंजीपतियों के लिए ये अच्छा सरकार है, गरीबों के लिए ये सरकार नहीं है, क्यों बोले तो ये देखो। पहला राहुल गांधी को ईडी नोटिस भेज के उनको 56 आवर्स इंक्वायरी करे, ये क्या है इसमें चुपचाप अननेसरी, क्यों बोले तो अपोजिशन पार्टियों को डराने का काम कर रहे हैं। अब श्रीमती सोनिया गांधी को, हमारे एआईसीसी के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को ईडी इंक्वायरी कर रहे हैं। ये ईडी सीबीआई और आईटी ये बीजेपी सरकार मिसयूज कर ले रहे हैं, ये मिसयूज करके श्रीमती सोनिया गांधी को भी अब 2-3 दिन हो रहा है कंटिन्यू, अब इंक्वायरी कर रहे हैं उनको भी। ऐसा ये मोदी सरकार जो है अपोजिशन लीडर्स को डरा के, क्यों बोले तो ऐसे बड़े बड़े लीडरों को हम कर रहे हैं, ये लोगों का बाद में बाकी लोगों का क्या है बोल के सबका दिमाग में ऐसा आना, क्यों बोले तो उनको भी नहीं छोड़ रहे हमको क्या छोड़ते बोल के ऐसा डर के चुप छोड़ देना, नहीं तो बीजेपी ज्वाइन आना। ऐसा जो ब्लैकमेल कर रहे ये उनका ये अच्छा नहीं है, क्यों बोले तो ये कैसा भी पावर कभी भी ये सर्कल का सर्कल रहता है, जो व्हील कब चेंज होता मालूम नहीं होता, जो उनका अब चला रहे उन्होंने मन मने कर रहे, ये कब आता टाइम आता वो क्या कब टाइम आता या क्यों लोग देख रहे। अब सुब्रमण्यम स्वामी चुनके गवर्नमेंट के खिलाफ ही बोल दिया ना, क्यों बोले तो 2011 में हमारे नंबर 3 पे था हमारा इकोनॉमिक, ये अब का 164 पे पहुंच गया मोदी आने के बाद। ऐसा एक पीएम है वो खाली लोगों को गुमराह कर रहे, खाली सोशल मीडिया में झूठ बता के झूठ 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 बोल के लोगों को जो कर रहे, और हिंदू मुस्लिम ये एक लाके सबको हिंदुओं को और मुस्लिम उसमें झगड़ा लगाने का ये काम कर रहे। कम्युनल फोर्सेस इस देश में आए तो अच्छा नहीं होता, क्यों बोले तो सेकुलर फोर्सेस सेकुलर पार्टीज आए तो ठीक रहता हमारे देश में। कितने उसमें क्या है बोल के कितने पहला क्या भी नहीं है बोल के तुम भी क्लोज करे फिर अब ओपन करते, क्या वास्ते ओपन कर रहे हैं डराने के वास्ते ना। पहला क्यों नहीं है क्या भी नहीं है बोल के क्लोज करे फिर कहीं को ओपन करे, क्या एफर है बोला नहीं उनको, क्या भी नहीं एफर है, क्या चार्जशीट है, क्या भी नहीं है ना। हाँ तमाम पूरा देश में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पूरे अब कर्नाटक में हमारे पूरा ऑल डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में पूरे डिस्ट्रिक्टों में हम ऐसा मौन सत्याग्रह कर रहे हैं, हम स्टैचू गांधी स्टैचू के पास मौन सत्याग्रह कर रहे हैं। इसीलिए जो बीजेपी ऐसे हरकतें छोड़ देना, बीजेपी तुम ऐसा हरकतें करे तो भी हम नहीं डरने वाले हैं, इसीलिए तुमको कैसा टक्कर देना है हम बराबर देते, तुम डरे तो डर के घर में बैठने वाले कांग्रेस नहीं है, इस देश को स्वतंत्र दिलाए सो कांग्रेस पार्टी है, इसीलिए डरने का सवाल ही नहीं आता। इसीलिए जो श्रीमती सोनिया गांधी को जो अब ईडी इंक्वायरी कर रहे जो उन्होंने कब तक करते हम ऐसा सत्याग्रह बैठते। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र का सपोर्ट के ऊपर और होम मिनिस्टर का सपोर्ट के ऊपर ये सोनिया गांधी मतलब राहुल गांधी को अन्य सरी किरकुल दे रहे हैं। हमारा जिला अध्यक्ष क्या बोले ना, वो पहले तो क्लोज करे सो है केस, होने के बाद ओपन करके हरेसमेंट देना, ये राष्ट्र में कांग्रेस पक्ष को तकलीफ देना बोल के ये नरेंद्र मोदी का गरीबों का नहीं रहना, नरेंद्र मोदी का सरकार है ना अनिल अंबानी का अदानी का सरकार है, वो पैसे के ऊपर सब तरफ सब राज्य में खरीदी करने का शासकों को, अब महाराष्ट्र में क्या हो गया कर्नाटक में क्या हो गया, प्रजाप्रभुत्व के ऊपर ये लोगों को भरोसा नहीं है, प्रजाप्रभुत्व एक राज्य में भी ये लोग सरकार
निर्माण नहीं निर्मित नहीं करे। ये खाली कांग्रेस पक्ष का लोगों का खर्जी लेने का, कांग्रेस पक्ष को तकलीफ देने का काम कर रहे हैं। ये इडी राष्ट्र में बहुत बड़ा प्रश्न चल रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध में ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी का आगे का दिन है। हम नहीं छोड़ेंगे, ये सरकार जाने तक। कर्नाटक का सरकार जाना भ्रष्ट सरकार है, आपको मालूम है। 40% खा के ये सरकार चला रहे हैं साहब। वही रीति में हम राष्ट्र में भी यही चल रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत गलत काम कर रहे हैं।